आज का मुंबई का इंसिडेंट देख के बहुत दुख हुआ। मैं प्रार्थना करता हूँ उनका आत्मा को भगवान शांति दे। कितना दिन तक ऐसा चलता रहेगा, कितना दिन तक हमारा कॉमन मैन अपना जान गंवाते रहेंगे, कितना दिन तक अपना कॉमन मैन टैक्स भी देते रहेंगे और अपना जान भी देते रहेंगे और गवर्नमेंट को भी चूज करते रहेंगे, गवर्नमेंट एंजॉय करता रहेगा। गवर्नमेंट, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, देखिए हम जनता कुछ नहीं जानते, सिर्फ हम ये जानते हैं कि आप लोग को हम वोट देते हैं, इसलिए वोट देते हैं कि आप लोग हमारा कुछ तरक्की करेंगे। लेकिन आप कर रहे हैं क्या? आप बुलेट ट्रेन ला रहे हैं, बुलेट ट्रेन ला के क्या करेंगे? अहमदाबाद से मुंबई दौड़ेंगे, कौन आएगा बुलेट ट्रेन में? हाई क्लास बिजनेसमैन, टॉप रिच मैन, कॉरपोरेट पीपुल्स, वो लोग आएंगे। हमारे जैसे साधारण लोग तो नहीं आएंगे। आप तो जानते होंगे हमारे इंडिया में कितने लोग रेलवे लाइफलाइन पे डिपेंडेंट हैं। ज़्यादातर गरीब लोग, ज़्यादातर कॉमन मैन ही रेलवे में सफ़र करते हैं और बाकी लोग तो सब फ्लाइट वगैरह में सफ़र करते हैं। आप ये जानते हैं, आप यदि चेन्नई से कोलकाता जाओ कि मुंबई से कोलकाता हो कि मुंबई से दिल्ली जाओ, जितना भी आप ट्रेन जाता है उसमें क्या जनरल बोगी का क्या हालत है आप जानते हैं? उधर लोग कैसे संघर्षपूर्ण ट्रैवल करते हैं, लोग जैसे जैसे एनिमल जैसा वो लोग सफर करते हैं, वो लोग जानवर जैसा वहां सफर करते हैं। देखने से इतना दुख होता है कि एक दिन मैं ऐसे गया, लोग लेटिन क्या, वो गेट क्या, कहाँ क्या, वो सब उधर पड़े रहते हैं। ये देख के बहुत दुख होता है, कहाँ हम लोग डेवलप कर रहे हैं, कहाँ अच्छा दिन आ रहा है? क्या हम लोग एक तरफ बुलेट ट्रेन लाएंगे, एक तरफ ऐसे सिचुएशन रहेगा? ये आपको कैसे लग रहा है? हमारा जितना इंडियन रेलवे जितना इंग्लिश सरकार करके गए थे, उसके बाद तो जो पुराने बिल्डिंग्स है, पुराने ट्रैक है, पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर से, कभी आप सोचे हैं ये सब कितना मतलब सेफ्टी है? कभी सेफ्टी जांच किए हैं? कभी नहीं किए हैं। सिर्फ बड़ा बड़ा ऐलान ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, सिर्फ भाषण में, और उसके भाषण के बाद कागज पत्ता में लिख के उसका रख दो। आपके पास तो इतना बड़ा बड़ा मिनिस्टर्स है, इतने बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर से, इतने बड़े बड़े इंजीनियर से, इतने बड़े बड़े थिंकर्स है, इतने बड़े बड़े मैनेजर्स है, आप ये सब किस काम का? हर महीने हर दिन इंडियन रेलवे लोग अपना जान गंवा रहे हैं, अपना जान को कुर्बानी दे रहे हैं। आप इतना तो सोचें, मां गरीब जनता के लिए आप इतना तो सोचिए। आप बुलेट ट्रेन बाद में लाइए, पहले अपना बेस को ठीक करिए। अपना बेस ही तो बहुत खराब है, अपना बेस ही बहुत वीक है। अपना बेस को पहले संभालिए, अपना बेस स्ट्रांग होगा ना, फिर देखेंगे बाद में बुलेट ट्रेन आएगा कि नहीं आएगा। हर दिन कितना लोग ऐसे जान गंवाते रहेंगे, कितने दिन डिवेलपमेंट होगा तो इतना 50-100 लोग मरते रहेंगे। कॉमन मैन का कोई जिंदगी का वैल्यू नहीं है क्या? कॉमन मैन का कोई जीने की हक नहीं है क्या? आप सिर्फ बोलते रहिए कि हाँ ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे।